शुरू करता हूँ सर आपका नाम लेकर जो कि नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाई के अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है जो मुराद राव साहब ने पॉलिसी दी थी कि किस तरीके से जो है वो तलीमी इदारे खोले जाएंगे, उस पॉलिसी को जो है वो तलीमी इदारों की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था। तो अब ये जो पॉलिसी है, क्या ये फाइनल पॉलिसी है? ये पॉलिसी क्या बनाई थी उन्होंने तलीमी इदारे खोलने के बारे में, और न्यू पॉलिसी जो है वो क्या ही बनाई जाएगी, अभी आपको जो है अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि तमाम के तमाम स्टूडेंट को जो है एक दिन बुलाया जाएगा और आधे स्टूडेंट को जो है वो फिर अगले दिन बुलाया जाएगा। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, ये सारा कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो बेल का निशान है आपने उसको जरूर दबा लेना, ताकि जैसे मैं इस तरह की एजुकेशन के बारे में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को कुछ वक्त मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अब 15 सितंबर से जो है अभी फ़िलहाल आपके तलीमी इदारे खोलने के बारे में अपडेट्स आई हैं, लेकिन ये डेट्स जो हैं फाइनल नहीं है। 90% कन्फर्म है कि इन्हीं डेट्स को जो है वो आपके तलीमी इदारे ओपन हो जाएंगे। बहरहाल इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, जब तक आपके मतलब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होता, ये बात जो है वो कन्फर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं, पॉलिसी बनाई गई थी कि आपके जितने भी तलीमी इदारे हैं, मतलब एक क्लास के अंदर अगर 60 बच्चे हैं तो 30 को एक दिन बुलाया जाएगा, 30 को एक दिन बुलाया जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे तो एक क्लास के अंदर 20 मैक्सिमम या 30 बच्चे आते हैं। तो कई ऐसी क्लासेज हैं जिनके अंदर 10-10 बच्चे हैं, तो क्या 5 को एक दिन बुलाएँगे, 5 को अगले दिन बुलाएँगे? और हुकूमत की तरफ से ये बताया गया था कि अगर SOPs को पर अमल दरामा ना हुआ तो हम लोग जो है स्कूल को फिर बंद कर देंगे, मुकम्मल जो है स्कूल पे बैन लगा दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो है ये मतलब आया है कि जो भी प्राइवेट तलीमी इदारे थे उन्होंने इस फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि हम एक दिन आधे और एक दूसरे दिन आधे बच्चों को जो है इस तरीके से नहीं बुला सकते, बुलाना है तो सभी को बुलाएं, नहीं बुलाना है तो आप लोग किसी को जो है वो भी ना बुलाएं। तो ये बात जो है वो वाज़ह तौर पर बताई गई है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जल्द अज जल्द न्यू अपडेट्स जो हैं वो आ जाएंगी कि आपकी फ़ाइनल SOPs जो हैं वो क्या हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट का क्या ख्याल है कि ये जो 15 सितंबर से तलीमी इदारे ओपन हो रहे हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से दुरुस्त फैसला किया गया है या नहीं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जो है वो लाजमी बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है न्यू, हमने क्रिएट किया स्टडी बाबा के नाम से, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल लेक्चर्स वगैरह और बहुत कुछ जो है आपके फ़ायदे के लिए अपलोड हुआ करेगा। तो काइंडली जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, तो आपने उस चैनल स्टडी बाबा को भी अपना प्यार देना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर देना और बता दीजिएगा कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तो थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। तो इसके बारे में न्यू अपडेट्स आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो भी अपडेट्स आए साथ साथ आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, वो कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखे, तमाम तलबा तालबात को बहुत कामयाबी ता फरमाए। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।